अगर हम लोग चिंतित नहीं होते तो शायद हम फोन भी नहीं करते जिलाधिकारी को। तो ये भाजपा के लोग हम लोग तो है नहीं कि खाली जुमलेबाजी कर, जो बात है जो सच्चाई है उसको हमने सामने रखा। तो जैसे एजेंसी से और सभी सभी लोगों को, सारे अभ्यर्थी से तो आप लोग जान ही रहे, हम मुलाकात कर ही रहे, ऐसा कोई नहीं है। चाहे गर्दनी बाग में बैठे हुए जितने लोग हैं वो भी उठ करके आके मिल रहे हैं, तो सारी बात को तो सुना ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सुना नहीं जा रहा और सुनवाई नहीं हो रही और कार्रवाई नहीं हो रही, उनकी बात को सुना जा रहा है और रोजगार और नौकरी के दिशा में कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये निश्चिंत रहे, इसमें जो है लोगों को घबराने नहीं। हाँ, दो साल भाजपा के लोगों ने लेकिन जरूर खराब किया। आज जो भाजपा के नेता जो चीख चीख करके चिल्ला रहे हैं, उन लोगों ने बिहार के छात्र छात्राओं का भविष्य जो है अंधकार में रखा। दो साल भाजपा के लोगों ने बर्बाद किया। अब हम काम कर रहे हैं उस दिशा में और हम तो कहें हैं जल्द ही आप लोगों को बड़ा अच्छा न्यूज भी मिलेगा। तब इतनी कुछ सारी बातें कह देने पर, अब कुछ चीजें तो होती है ना कि भाई जो SOP है उसके प्रोटोकॉल में रह करके ही कार्रवाई की जानी होती, तो वही समय है और क्या। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं। आपने नीतीश कुमार के लिए ट्रेंडिंग शुरू कर दिया, आपने कहा कि विपक्ष अगर विचार करे नीतीश कुमार। इसमें तो आप लोग सब अलग से अलग, आज हम सोचे कि आप लोगों को लगता कि यही मामला है तो इसी में। लेकिन PTI में हो गया, बहुत शुक्रिया। तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। पटना में जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर सफाई दी गई, 2 सदस्यीय जांच कमेटी बैठा दी गई है। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि 2 साल से BJP की जो सरकार यहां पर थी नीतीश कुमार वाली, उसने नहीं दिया था अभ्यर्थियों को नौकरी। अब हम आगे काम कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको अच्छी सूचना भी मिल जाएगी। तो अमित मालवीय का ट्वीट भी हमने दिखाया जिस तरीके से BJP निशाना साध रही थी और उसी को लेकर जवाब दिया गया।